Hi guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ प्रेम गीत 3 और टाइटल देख के वैसे तो आप समझ गए होंगे, बट मुझे इसके बारे में इतने सारे कमेंट्स आए थे ना कि दीप प्लीज इस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो. इनफैक्ट हर एक वीडियो के नीचे इसी बारे में कमेंट्स हैं कि प्लीज उस पे रिएक्ट करो. एंड मुझे पता चला है कि वो हिंदी में है. ओके, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट. और अभी तक मैंने वो ट्रेलर ट्रूली नहीं देखा है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. और इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद तो इट्स लाइक कि मुझे वो जल्दी से जल्दी करना है. आई नो अभी थोड़ा लेट वैसे हो गया है, बट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, बिकॉज हर एक वीडियो के नीचे कमेंट्स थे. ट्रूली हर एक वीडियो के नीचे जो भी रिसेंट कमेंट मैं पढ़ रही थी वो सिर्फ इसी बारे में था कि प्लीज़ प्लीज़ उस पर रिएक्ट करो, उस पर रिएक्ट करो, उस पर रिएक्ट करो. एंड फाइनली आज मैं वो रिएक्ट करने वाली हूँ. और अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, डायरेक्ट वो चीज़ देखती हूँ, वो ट्रेलर देखती हूँ और फिर बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इस धरती पर दो तरह के इंसान. वाओ, शुरू में ही कितना अच्छा, मतलब पूरा. एक तो वैसे सबको पता है कि पहले भी मैंने जिन वीडियोस पे रिएक्ट किया है उसमें ये बात बोली है कि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है और मुझे स्नो बहुत पसंद है. और इसमें तो पहला लुक ही वही है, शुरू में ही पूरे स्नो से कवर्ड माउंटेन्स दिखाए हैं, तो पहला सीन ही मुझे पसंद आ गया इसका. तो होते हैं एक दर्द देने वाले और दूसरे दर्द को दूर करने वाले. सो ये लुक है उनका. वाओ, कितना अमेजिंग लुक है. बट ये लुक शायद मैंने पहले देखा है और इस लुक पे कोई फोटो वगैरह थे या कुछ था तो मैंने उस पे रिएक्ट भी किया है. सो इस लुक पे पहले मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ, बट वाओ व्हाट अ लुक ना. एकदम से मतलब पूरे लंबे लंबे बाल और पूरा स्नो में ऐसे पूरा कि बहुत जैसे एंशिएंट पुराने टाइम पे जैसे होते थे कि चोर लुटेरे नहीं आते थे, वो बहुत सारे हीरे जवाहरात लूटने और बहुत एंशिएंट टाइम में जो चीजें होती थी वैसा सा लुक लग रहा है मेरे को. ये पहली बार ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुनी होगी. ये मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे एक बिग बजट मूवी नहीं होती है, पूरे ऐसे जैसे KGF थी जिसमें पूरे बड़े बड़े ऐसे दिखाए हुए थे, बाहुबली थी, पूरे महल वगैरह और वो सब दिखाए हुए थे. सो वैसी मूवी वाली मेरे को इसमें थोड़ी फील आ रही है कि इतनी बिग बजट मूवी, पूरा माउंटेन्स है, फिर एक तरफ पे वो बहुत जैसे पुराने खंडर टाइप में है और पूरी लड़ाई है और ये सीन जैसे कि बहुत एक बड़ा राज्य टाइप होता है ना, वैसा वाला सीन है ये तो बिल्कुल. सो एक बिग बजट मूवी की ट्रूली सच में शुरू में ही मुझे मतलब मैंने अभी लगभग 20 सेकंड की देखी है और इसी में मुझे वो बिग बजट मूवी वाली फील आ रही है. और ये जैसे स्टोरी नैरेट जो ये कर रहे हैं ना कि एक टाइम था ऐसा होता था, तो ऐसे सच में ऐसे पुराने समय की कहानियों वाली याद आ रही है इससे. ये लुक भी अभी जैसे ये हंस रहा है तो ऐसे पुराने मतलब ऐसे होता नहीं है कि जो विलेन होते हैं वो ऐसे पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं सामने इसके, वो रखा है कि कौन सी पहाड़ी से कौन सा हमला करना है जब ये डिस्कशन होती है और ये सब होता है, तो वो वाला लग रहा था ये. उस दिन 7 गांव को अपना नायक मिल गया था. वाओ, देखा मैंने बोला था ना कितने सारे लोग और पूरे बर्फ में शूट करना. ये पूरी मूवी ही इन्होंने बर्फ में शूट किया क्या? बड़ा मुश्किल होता होगा बर्फ में शूट करना तो देखना मतलब. लव स्टोरी
थर्ड सितंबर ओके। बहुत छोटा सा ट्रेलर था, मुझे लगा 2-3 मिनट का तो कम से कम होगा, और इतने छोटे से ट्रेलर में भी आपको मतलब ये समझ आएगा कि मूवी में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, इट्स अ लव स्टोरी ऑल्सो, इसमें एक लव स्टोरी भी है जो कि जो लोग मुझे पहले से देखते हैं या जिन्होंने मेरी पहली रिएक्शन वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा कि मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद हैं। इन रियलिटी ऑल्सो मुझे लव स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं, उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है बेसिकली। सो वो चीज भी है, और दूसरी चीज की एक ऐसी स्टोरी है जहां तक मुझे ट्रेलर देख के समझ आया कि बहुत सारे वॉरियर्स हैं, मींस बहुत सारे विलेन टाइप हैं जो ऐसे लूटने आते हैं या बंदी बनाने आते हैं, ओके, एंड देन उनको फिर अपना मसीहा मिल जाता है, ओके, सो फिर वो उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है। तो ऐसे टाइप में मुझे स्टोरी लग रही है कि कुछ कुछ स्टोरी ऐसी होगी। और ट्रूली जो एक बात मेरे ध्यान में बार बार आ रही है इसको देख के, नो डाउट स्नो है, मुझे लग रहा है पूरी मूवी ही उन्होंने पहाड़ों में और स्नो वगैरह में ये शूट कर रखी है। बीच में वो सीन भी आए थे जिसमें वो बहुत सारे घर थे तो ऐसा रेगिस्तान और खंडर टाइप लग रहा था, बट ज्यादातर मुझे लग रहा है कि स्नो में ही ज्यादातर आपको शूटिंग मिलेगी इस चीज की। और बहुत बहुत रॉयल लुक निकल के आ रहा है, सिर्फ 50 सेकंड में भी आपको ये समझ आ जाएगा, आ रहा है, मतलब आ जाएगा नहीं आ रहा है, कि इट्स अ बिग बजट मूवी। और जो लुक है इसमें, प्रदीप खड़का का जो लुक है, दैट्स माइंड ब्लोइंग, जस्ट अमेजिंग। और जैसे स्टोरी को नरेट किया गया है इस 50 सेकंड में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई थिंक दिस इज गोना बी अ हिट मूवी, मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है। बिकॉज जो फिल्म, मैंने बीच में भी बोला, जैसे बाहुबली थी बहुत रॉयल थी, वो कहानियां बताई गई थी, ऐसे ही KGF है उसमें कुछ कहानी बताई गई है, तो मेरे को सेम वैसा ही इसको देख के लग रहा है। दैट्स इट्स अ बिग बजट मूवी, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और 23 सितंबर को आने वाली है, आई नो, सो जो भी नेपाल से है, मैंने उनके कमेंट्स पढ़े थे, दे आर सुपर सुपर एक्साइटेड, और इसीलिए मुझे शायद इतने कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज उस पर रिएक्ट करो, इस पर रिएक्ट करो। और ट्रूली अभी देख के वो चीज समझ आ रही है कि क्यों इतने मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर रिएक्ट करो, बिकॉज इट्स ट्रूली अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर। एक चीज बोलते हैं ना कि कम, मतलब छोटा ट्रेलर है बट पूरी चीज आपको समझा देगा कि मूवी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि सिंगर है अंकित तिवारी ने इसमें म्यूजिक दिया है, पलक मुछल ने दिया है, ओके, सो गाने भी बहुत अच्छे होने वाले हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड सिंगर्स, और इनके बहुत फेमस भी हैं और इनके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं ना, रोमांटिक टाइप में गाने आते हैं, तो उसमें अंकित तिवारी का नाम आता है, ओके। सो मुझे यही कहना है इसको देख के, बहुत छोटी है बट बहुत अच्छा लग रहा है देख के एकदम से, मतलब पता नहीं 30 सेकंड में ही इतना कुछ स्टोरी वगैरह देख के, और ऐसा हो जाता है ना कि पता ही नहीं हमने क्या देख लिया, तो मन करता है एक बार और देखने में। डेफिनेटली इस ट्रेलर को एक बार फिर से देखने वाली हूँ और विदाउट कट देखने वाली हूँ, अभी तो मुझे रिएक्शन देना था तो मैं ये देख रही थी क्या क्या सीन्स हैं और क्या क्या है। अभी सिर्फ मैं इसको देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, ना कि रिएक्शन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने वाली हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके क्या व्यूज हैं जब आपने ये ट्रेलर देखा, ओके, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। Bye guys!